तो रवीन भैया और मैंने इंदौर से निकलकर अपनी जर्नी शुरू कर दी थी और अभी हम सिमरोल से थोड़ा 2 या 3 किलोमीटर अंदर कजलीगढ़ फोर्ट में आ चुके हैं। तो चलिए कजलीगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे यहाँ पर कोई खास चीज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली, हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लिया है तो खाली पुराने ज़माने की किसी राजा महाराजाओं ने दीवारें बनाई थी वो अभी तक है यहाँ पर। फिर भी देखते हैं, चढ़ते हैं हमको ऊपर या देखते हैं अगर चढ़ने दिया गया तो चढ़ जाएंगे। तो ये कजलीगढ़ फोर्ट की दीवारें हैं और इसके साइड से बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है यहाँ पर, तो अभी हम थोड़ा इधर भी जाने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे उसको। किले के साइड से थोड़ा नीचे की ओर भगवान भोलेनाथ का, महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी है। तो अभी हम रवीन भैया और मैं मंदिर में जाने वाले हैं भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन करने के लिए जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ पर, लगभग यहाँ पे 100-150 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, गिनती तो नहीं मालूम लेकिन फिर भी एक बहुत प्राचीन जगह और काफ़ी कठिनाई भरा रास्ता भी है यहाँ पे। शुरुआत में यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी लेकिन सरकार ने दर्शनार्थियों की आवाजाही के लिए, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण करवा दिया है। हम लास्ट टाइम जब महादेव खोदरा गए थे वहाँ पर भी कुछ ऐसा दृश्य हमको देखने को मिला था। भैयू धीरे धीरे महादेव के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी उतरकर। ये माँ दुर्गा, गुफा के अंदर महादेव विराजमान हैं। तो अभी हम ये नदी के किनारे किनारे ट्रेकिंग करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी
कहीं पर संकरा रास्ता, कहीं पर पत्थरों वाला रास्ता, तो कहीं पर ये झाड़ियों वाला रास्ता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसे हम पार करके अच्छे वाले रास्ते की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम रथबी गांव से करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं ट्रैकिंग करते करते, और नदी के किनारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मालूम तो नहीं है कि कहां जाना है, लेकिन हम दोनों का ट्रैकिंग करने का प्लान बना था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ऐसे चलते चले जाएंगे और जो भी अच्छी जगह मिलेगी वहां पर रेस्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और भी बेहतर जो हो सकता है वो करेंगे। भैयू ने खाने पीने के लिए भी कुछ पार्सल पैक करवा लिए हैं, तो अच्छी सी जगह पर जाके, स्पॉट पर जाके पोहे कचौरी समोसा ये सब हम खाने वाले हैं। और ये भैयू पीछे से आ रहे हैं अब झाड़ियों को क्रॉस करते करते। इस रास्ते पर इंसान तो बड़ी मुश्किल से जाते होंगे, लेकिन जानवरों के खुर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो नदी के किनारे हम काफ़ी देर से भटक रहे हैं। अब ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ पे मैं चढ़ूँगा और आसपास जो भी मुझे छोटा रास्ता या पगडंडी नज़र आएगी, अगर वो दिख जाती है मुझे तो उस पर हम जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम नदी के किनारे चलते रहे तो नदी के किनारे किनारे हम कहाँ तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि यह नदी तो एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। तो मुझे अब इस पर चढ़ना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऊंची जगह पर आ गया हूँ, पेड़ पर आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का, बाहर निकलने की पगडंडिया रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे।